नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। तीसरा चुनावी राज्य, तीसरी घटना भी हो गई। तिनसुकिया में तार गिरी, हाई वोल्टेज तार और 11 लोगों की मौत हो गई। ध्यान दें तो असम में आज की घटना, कल याद कीजिए केरल में जिस तरीके से वहां पर मंदिर में आतिशबाजी हो रही थी, उसमें 110 लोग की मौत हो गई। और इन सब के बीच याद कीजिए 31 मार्च, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पुल गिर गया, पिलर गिर गया, उसके नीचे बस आई, लोग आए, 28 लोग वहां भी मर गए। तीनों राज्य संयोग से चुनाव हो रहे हैं और इन तीनों जगहों पर नेताओं की आवाजाही झटके में बढ़ गई और ये सवाल हर जहन में आ गया कि अगर चुनाव नहीं हो रहे होते तो इस तरह की चिंता, इस तरह की संवेदना क्या वाकई हर कोई दिखाता? ये सवाल है। दरअसल दस्तक आज सवालों में गुम होना चाहता है, क्योंकि एक ऐसी ट्रेन चली है जो ट्रेन टू पाकिस्तान, जो खुशवंत सिंह ने लिखा था, उससे इतर हटकर लेकिन कहीं ज्यादा त्रासदी देने वाली ये ट्रेन। ये ट्रेन है ट्रेन टू लातूर। दरअसल ट्रेन टू लातूर का मतलब क्या होता है? ट्रेन टू लातूर का पहला मतलब तो यही होता है, हाँ हर कोई जानता है, पानी लेकर वो चली। ट्रेन टू लातूर का मतलब तो ये होता है कि पहले जब चली तो पानी नहीं था, फिर जब चली तो पानी भरने के लिए व्यवस्था नहीं थी, और फिर जब चली तो रेलवे ने अपना ही पानी दे दिया जो यात्रियों को पानी पिलाया जाता है। लेकिन फिर भी रात के 10 बज रहे हैं, ट्रेन अब तक नहीं पहुंची है। जरा रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा ट्रेन टू लातूर का मतलब इस देश में सिस्टम के भीतर का मजाक है। कोई देश के पास पीने का पानी न हो, कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है, एक पल का इंतजार नहीं किया। भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। तो 16 महीने पहले मोदी सरकार ने आनन फानन में 1200 टन पानी मालदीव ऐसे वक्त पहुंचा दिया जब पानी के संकट से मालदीव जूझ रहा था, पीने का पानी तक नहीं था। तो हर किसी ने मोदी सरकार की पीठ ठोकी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पीठ ठोकी। लेकिन अब ऐसा क्या कि मोदी सरकार आनन फानन में लातूर पानी नहीं पहुंचा पा रही है, जबकि लातूर में भी पीने के पानी का ही संकट है? तो अपने ही देश में पीने के पानी को लेकर सिस्टम काम कैसे करता है, जरा इसे भी समझ लें। 5 अप्रैल को तय हुआ कि रेलवे वैगन के जरिए लातूर पानी भेजा जाएगा। 50 वैगनों को साफ कर राजस्थान के कोटा से 8 अप्रैल को लातूर के लिए रवाना किया गया, यानी कोटा से पानी नहीं खाली वैगन चले जो लातूर से 300 किलोमीटर पहले मिराज में आकर रुक गए। वैगन 10 अप्रैल को पहुंचे, लेकिन नया संकट यह था कि वैगनों तक पानी कैसे पहुंचे, यानी कृष्णा नदी से मिराज स्टेशन तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। वह कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। ऐसे में रेलवे ने तय किया पानी जब आएगा तब आएगा, उससे पहले वो अपना रिजर्व वाटर ही वैगनों में भरना शुरू कर दे। तो जो पानी रेलगाड़ियों में यात्रियों के पीने के लिए होता है, उससे 10 वैगन पानी भरे गए और आज सुबह 11 बजे मिराज से लातूर के लिए उसे रवाना कर दिया गया। टैंकर की एक ट्रेन आई हुई है, उसमें ट्रायल ट्रेन के लिए 10 टैंकर लातूर के लिए 11 बजे मेरे से रवाना हो गए हैं। इसके बाद ही अलग पाइपलाइन बनेगी और अलग पाइपलाइन से जो 40 डिब्बे यहाँ पे खड़े वो भी लातूर के लिए रवाना हो सकते हैं। यानी 5 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचेगा, फिर बंटना शुरू होगा। वो कल होगा या परसों यह भी किसी को नहीं पता, क्योंकि पानी किसको किस इलाके में किस टैंकर से कितना भेजा जाए यह हिसाब किताब भी लातूर प्रशासन को करना है। और यह है कितना मुश्किल, यह इससे भी समझा जा सकता है कि लातूर में प्रति व्यक्ति 8 लीटर पानी भी बामुश्किल देने की स्थिति में वहां का प्रशासन है, जबकि मुंबई में 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, तो दिल्ली में 250 लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जाता है। और पानी का संकट सिर्फ लातूर तक नहीं बल्कि समूचे मराठवाड़ा का है। और मराठवाड़ा के किसानों के सामने नया संकट यह है कि जमीन के नीचे पानी है नहीं और कोई टैंकर उन तक पहुंचता नहीं। 3-4 महीने हो गए तो पानी की तंगी हमारे को, पिछले साल भी ये तंगी थी, ये भी अभी भी ये तंगी है। या पानी की दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, महीने में एक बार पानी आता है और एक महीना पानी जो अपन जमा करते हो पीने के लायक नहीं रहे। लातूर में 5 लाख या 50 लाख लीटर पानी भी पहुंच जाए वहां की समस्या का हल नहीं होने वाला। क्या सरकार को पता नहीं है कि गर्मी के दिनों में मराठवाड़ा के कई इलाकों में पानी की भीषण समस्या खड़ी हो जाती है? और अगर पता है तो उस पर हल क्यों नहीं है? यानी सरकारी सिस्टम ऐसे मामलों में पूरी तरीके से नाकाम है। ऊपर से संवेदनशीलता की कमी, जिसके वजह से सरकार में बैठे कई अहम लोग
ऐसी समस्याओं पर बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं, यानी जब तक ऐसी समस्याओं पर राजनीतिक नेतृत्व कुछ कठोर या मूलभूत फैसले नहीं लेता, तब तक मराठवाड़ा जैसे इलाकों में पानी की कमी का सामना होता रहेगा। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और ट्रेन टू लातूर चलती रहेगी, बड़ा मुश्किल सवाल है। हम बताएंगे, दरअसल जिक्र क्यों किया हमारे संवाददाता ने कि नेता बेतुका बयान देते हैं, लेकिन उससे पहले एक दूसरी स्थिति, क्योंकि 23 महीने हो गए मोदी सरकार को और पहली बार जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं चाहते थे, उस शख्स की ताजपोशी संघ ने करवा दी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। नए नवेले अध्यक्ष के लिए लखनऊ में हर कद्दावर जुटा। यूपी का हर वो चेहरा जो कल तक सोचा करता था वो अध्यक्ष बन सकता है, या फिर वो चेहरे जो कल तक खुद को सीएम पद का उम्मीदवार तक माने बैठे थे, आज वो सभी चेहरे यूपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत के लिए मौजूद थे। और स्वागत के इस हंगामे ने ये जतला दिया कि केशव प्रसाद मौर्य के जरिए बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का चुनावी पाठ भी यूपी में अब चलाएगी और राम मंदिर की अनकही कहानी के पन्नों को भी खोलेगी। यानी नवरात्र शुरू होने के दिन अगर केशव मौर्य के नाम का ऐलान हुआ तो इंतजार कीजिए, दशमी के दिन केशव मौर्य अयोध्या में भी नजर आ सकते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने जो प्रयोग किया है उसके दो पहलू हैं। पहला ये कि पिछड़े वर्ग से आने वाले एक नेता को प्रदेश की कमान सौंपकर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला साकार करना चाहती है, और दूसरा ये कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मौर्य की हिंदुत्ववादी छवि का पार्टी आने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि संघ को लगने लगा है कि यूपी की बिसात तो उसे ही बिछानी होगी और बिसात के जरिए हिंदुत्व के उस एजेंडे को भी विस्तार देना होगा जो सामाजिक तौर पर कमजोर तबकों को मायावती के दरवाजे पर ढकेल कर हिंदुत्व से दूर करता है और बौद्ध धर्म के करीब ला देता है। यानी सवाल सिर्फ मायावती के स्वामी प्रसाद मौर्य को ठिकाने लगाने का नहीं, बल्कि अजीत सिंह और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार के यूपी में गठबंधन को बांधने का भी है, और दलितों को राम मंदिर के साथ जोड़कर उस हिंदुत्व के खांचे में लाने का भी है जिसका विरोध एक वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। तो ध्यान दीजिए, मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, काची, विश्वकर्मा और राजभर को साधने की तैयारी है और अंबेडकर का नाम जपते हुए भी हिंदुत्व के एजेंडे को विस्तार देने की स्थिति में बीजेपी संघ के भरोसे खुद को ला रही है, क्योंकि बीजेपी के भीतर का सच यही है कि केशव प्रसाद मौर्य ना तो बीजेपी अध्यक्ष की पसंद थे और ना ही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति के प्रति। असल में केशव मौर्य संघ की पसंद है और संघ की ही रणनीति का हिस्सा है, इसीलिए बीते 23 महीने की मोदी की सत्ता के दौर में केशव प्रसाद मौर्य ऐसी पहली नियुक्ति है जिस पर संघ का वीटो रहा और इस पर पीएम को सहमति देनी पड़ी और बीजेपी अध्यक्ष को मुहर लगानी पड़ी, इसीलिए बीजेपी के कद्दावर स्वागत में जुटे। ये एक स्थिति बन रही है, क्या वाकई संघ को लगने लगा है कि तमाम संगठनों को उनकी अपनी ऊर्जा के साथ देश में खड़ा होना होगा, या फिर इस दौर में लगने लगा है कि दरअसल 23 महीने बीत गए, हालात अनुकूल नहीं है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि आज लखनऊ में जवाब भी दिया केशव प्रसाद मौर्य ने कि दरअसल जिस आपराधिक छवि का जिक्र हो रहा है उस बारे में हम आपको सुनाएं, लेकिन दोबारा लौटिए ट्रेन टू लातूर। इस देश में कितनी ट्रेन चलाई जाए, कहाँ कहाँ पानी भेजा जाए, किस किस रूप में हालात हैं, यकीन जानिए सिर्फ ट्रेन टू लातूर नहीं, ट्रेन टू गुजरात भी ट्रेन चलानी पड़ेगी। इंसान की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत पीने का पानी, और ये तस्वीर बता रही है कि पीने का पानी कोई सरकार अपने नागरिकों को कायदे से मुहैया करा नहीं पाई। यानी आजादी के 68 बरस बाद भी पीने के पानी की गारंटी तक कोई सरकार देने की स्थिति में नहीं। कहीं नल में पानी नहीं आता तो कहीं पीने का पानी लाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, कहीं टैंकर ही उम्मीद है तो कहीं पीने का पानी हासिल कर लेना जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। पानी की दिक्कत तो सारी है जी, इतनी दूर से लेने आते हैं, हाल क्या बुरा हाल हो जाए, पीने का पानी पावे नहीं हमें। तो
हमरा का प्याप चाहिए तो जीवन भर सकता पानी पी जाए नहर में ऊपर है तो मुश्किल लगे छे रोज रोज पानी ना पड़ता है सुबह उठ के ही और तीन चार महीने से पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल नलों में। और सच यह भी कि जिस गुजरात को विकास का मॉडल बनाकर देश दुनिया में पेश किया गया वहाँ भी ऐसा नहीं कि पानी का संकट हल हो चला हो। गुजरात के उत्तरी इलाके जहाँ कच्छ पाटन और बनासकांठा जैसे जिले आते हैं वहाँ के सीमावर्ती इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग पानी के लिए तालाब में गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे में जमा गंदे पानी को ही किसी तरीके से छान कर घर ले आते हैं। પાણી જડતું નથી અને સરહદ અમારો કારો ઉનારો તાપ ના માણા બચારા રહી શકતા નથી પાણી વગર અને પાણી વગર હું સરપંચ બોલું છું પાણી વગર માણા બચારા દખી થાય છે તો સવાલ કઈ કે પીને કા પાણી ભી અબ પૈસે વાલો કી બપોતી હો જાયેગી કે પાણી કી રાશનિંગ કરને કા વક્ત આ ગયા હૈ કે પ્રકૃતિ કો નુકસાન પહોંચાને વાલો કે ખિલાફ અપરાધિક કેસ દર્જ કરને કા વક્ત આ ગયા હૈ। जाहिर है ऐसे बहुतेरे सवाल हर जहन में आ सकते हैं अगर उस जहन में गुस्सा है तो, लेकिन समझना यह भी चाहिए कि सरकार तो खुश है कि वो बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित किसानों के बैंक अकाउंट में एक हफ्ते के भीतर राहत का पैसा पहुंचा देगी, लेकिन इस राहत के पैसे से पानी कौन देगा और बुंदेलखंड के घर घर में पीने का पानी भी कौन सी सरकार पहुँचाएगी, लखनऊ की या दिल्ली की, और वो कब तक पहुँचेगा यह भी कोई नहीं जानता। अजीबो गरीब स्थिति है। ट्रेन टू लातूर जी कोटा से चली मिराज में आकर रुक गई, फिर मिराज से चली और लातूर अभी तक पहुंची नहीं है। लेकिन लातूर का आदमी अगर मुंबई जाना चाहता है तो कोई सीधी ट्रेन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पानी नहीं तो देखिए पलायन शुरू हो चला है लातूर में और लोग मुंबई की राह पकड़ रहे हैं। अभी क्या अभी जो हाजिरी लगेगा वो जो मजदूर करेगा उसमें से लाके इधर अभी पेट भरेगा। अभी दूसरा तो हमारे पास बैलेंस भी नहीं है। अभी उधर गांव में सब सूखा जमीन है, उधर बारिश नहीं, खेती नहीं, कुछ भी नहीं। खेती में तो सब सूख गया। अभी पैसा ऐसा रोज काम लगेगा तो चलता है, आठ दिन में चार दिन में ऐसा काम लगेगा। हाँ पहुँचे कैसे तो दूसरे ऐसा आदमी पहचान वाले से इधर आए। पहली बार मुंबई? हाँ नहीं नहीं पहले मुंबई में तो आता है हम हर साल, लेकिन इधर पहली बार आया ये जगह से। फत्तर बोला था हमको तो कुछ मालूम नहीं सर, हम सुबह सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 8-9 बजे आता है काम। हमको तो मालूम नहीं कब मारा क्या मालूम, कुछ पता नहीं। पानी कहाँ से लेके आते? ऐसा ही चाली में से मांग के लाता। चाली में से मांग के लाता। पानी के लिए पलायन, याद कीजिए विस्थापितों को लेकर यूरोप में एक वक्त कैसी अफरा तफरी मची थी। और इस देश के भीतर अगर पानी वाकई कम होते चला जा रहा है तो फिर सोचेगा कौन। संविधान कहता है जीने का अधिकार दे दिया गया, राजनेता कहते हैं ठीक है अगर आप हमारे लिए वोट बैंक है तब तो ठीक, लेकिन किसे पता था कि संविधान लिखने वाला शख्स के जरिए वोट बैंक की तलाश राजनीतिक दलों में होड़ मच जाएगी। जरा देखिए अंबेडकर के नाम पर सियासी घमाचौकड़ी। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती, याद कीजिए पिछले बरस 14 अप्रैल को कांग्रेस ने महू से साल भर मनाने की शुरुआत अंबेडकर के जन्म स्थान महू से ही की और आज नागपुर के धर्म परिवर्तन स्थल पर जाकर समापन किया। और 3 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी महू जाकर 125वीं जयंती की शुरुआत करेंगे और उसके बाद बीजेपी साल भर अंबेडकर की जयंती मनाएगी। तो क्या बाबा साहब अंबेडकर को राजनीतिक तौर पर अपनाने की नई होड़ कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हो चुकी है? क्योंकि नागपुर में राहुल गांधी ने जिस तेवर से अंबेडकर के करीब कांग्रेस को बताने के लिए मनु पर सीधी चोट की वह भी अपने तरीके से पहली बार ही था। दलित मर जाए, आदिवासी मर जाए, किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, बेरोजगार युवा मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मनु की सोच की रक्षा होनी चाहिए हिंदुस्तान में, वही सबसे जरूरी चीज है इनके लिए। लेकिन राहुल गांधी सच से दूर रहे कि कांग्रेस के 10 बरस की सत्ता के दौर में दलितों पर उत्पीड़न के 3 लाख से ज्यादा मामले
2004 से 2014 के बीच दर्ज हुए। तो दूसरी तरफ अब अंबेडकर को बीजेपी राजनीतिक तौर पर आत्मसात करने में लगी है, और इसके लिए प्रधानमंत्री अगर 14 अप्रैल को महू जाकर दलितों को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे तो उससे पहले याद कीजिए 20 अप्रैल 2015 में दिल्ली के जनपद पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की आधारशिला रखी। 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई के चैतन्य भूमि में अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा। 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। 22 जनवरी 2016 को लखनऊ में अंबेडकर के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी स्थल की आधारशिला रखी। 21 मार्च को दिल्ली के अलीपुर में अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की आधारशिला रखी। लेकिन इस सच से बीजेपी भी दूर रही कि सत्ता में आने के बाद 2014-2015 में 50,000 से ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले देश भर में हो गए। यानी अंबेडकर से निकटता का राजनीतिक प्रयोग क्या गुल खिलाएगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि जय भीम का नारा लगाने भर से देश में हाशिए पर पड़ा दलित मुख्यधारा में शामिल भी नहीं हो पाएगा। जय भीम, जय भीम। दोबारा लौटिए ट्रेन टू लातूर। दरअसल ट्रेन टू लातूर का सच एक यह भी है कि जो भी सत्ता में रहे, जो भी का मतलब पुरानी सत्ता हो या मौजूदा सत्ता हो, ये महाराष्ट्र का जिक्र हम कर रहे हैं, उनकी जुबान फिसलती नहीं बल्कि दिल में जो बात होती है खुलकर आ जाती है। जरा सुनिए क्या कहा गया। भीषण चित्र रंगवलं जातं की 40 दिवस पाणी नाही, वर असं काही नाही। जे पाण्याचे स्रोत आहे तिथून प्रशासन व्यवस्थित पाणी पुरवठा करत आहे, हा एक मेला संपेल असा अंदाज आहे। 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय, कोण देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडतात। तो मौजूदा वक्त में मंत्री कहते हैं मीडिया का किया धरा है लातूर में पानी खूब है, और पुराने वक्त के अजीत पवार साहब ने क्या किया था जब बांध में पानी सूख गया था, उन्होंने ऐसे शब्द का जिक्र किया था कि पानी भरेंगे जिसको हमको विप लगाना पड़ा। ये स्थिति इस देश के भीतर की है। तो क्या इन सब के बीच देश के भीतर सब कुछ खत्म होगा और जिसके पास पैसा होगा वो फिल्म बनाएगा और फिल्म देखते हुए आप खुश हो जाएंगे कि चलिए जंगल देख लिया, देख लीजिए सच क्या है। तो रुपहले पर्दे पर जंगल, जंगली जानवरों और उन जंगली जानवरों के बीच मोगली का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर ऐसा बोल रहा है कि पहले हफ्ते में फिल्म ने 40 करोड़ 19 लाख की कमाई कर डाली। Only I can protect you. जी, हॉलीवुड में भी 2016 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है जंगल। तो क्या असल दुनिया से गायब होते जंगल, नदियां, जंगली जानवर, पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य और बच्चों के चेहरे से लापता होती मासूमियत का तकाजा है पर्दे पर जंगल बुक और उसका सुपर हिट होना? क्योंकि सच तो यही, कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक जंगल सिकुड़ रहे हैं, जानवरों की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। और साल 1900 में भारत में 1 लाख टाइगर थे, लेकिन अब सिर्फ 2226 बचे हैं। जंगल बच नहीं रहे तो तेंदुए भी कभी स्कूल तो कभी गांव में घुस जाते हैं, हाथी भी जंगल से निकलकर शहरों में उपद्रव कर रहे हैं। और इन सब के बीच क्या भूकंप और क्या नदियों से पानी का गायब होना, यानी कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा यह कि देश की सबसे पवित्र और पुरानी गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार कम हो रहा है। और इन सब के बीच मोगली का जादू सिल्वर स्क्रीन पर रेंग रहा है। क्या माना जाए, किसे देखा जाए, किस रूप में याद किया जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही जंगल बचेंगे। सिल्वर स्क्रीन ही है। पाकिस्तान से खबर आ रही है भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।